किया कि आप जिस तरीके से माजी में पाकिस्तान में 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में किसी ने गाड़ी बनाने की जहमत गवारा नहीं की, तो आप भी इसको रहने दें। ऑफर्ड बाय द कैरेटनिस्टिक बोथ, बट चूंकि लीडरशिप की अहतमाद था मेरे ऊपर, हमने कहा नहीं, वी विल गो फॉर द मेड इन पाकिस्तान। आज जब मैं आप, उसके बाद हमने क्या किया, इन द मंथ ऑफ अप्रैल सीसी से अप्रूवल कराई और जून में कैबिनेट से भी अप्रूव कराई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो पाकिस्तान में 29 मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सैमसंग कराची में मौजूद, नोकिया कराची में मौजूद, ईयरलिंक मौजूद, तो ये तमाम कंपनियां कराची, लाहौर, सियालकोट में काम कर रही हैं। किसको फायदा पहुंचेगा? मेरे और आपके बच्चों को फायदा पहुंचेगा, मेरे और आपके शहर के लोग उससे फायदा हासिल कर रहे होंगे। तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमेशा मैंने ये बात कही है और हमेशा इस बात को लड़ता रहूंगा अभी भी कि मुझे लाख, डेढ़ लाख, दो लाख वाला मोबाइल फोन नहीं चाहिए, मुझे 15,000, 20,000, 25,000 रुपये का स्मार्टफोन चाहिए जो मेरे नौजवानों के हाथों में हो, जो औरंगी टाउन का नौजवान इस्तेमाल कर सकता हो, लियारी का नौजवान इस्तेमाल करे, खैरपुर का नौजवान इस्तेमाल कर रहा हो, जो जो फाटक एरिया में का नौजवान इस्तेमाल कर रहा हो, जो स्मार्टफोन हो बट इकोनॉमिकल हो। यस, फॉर डेट वी आर वर्किंग ऑन इट। टेलकॉस कंपनी के साथ हमारी ख्वाहिश भी है कि हम मुकम्मल रबते में भी हैं कि लोन सिस्टम पे भी, जिसे कहते हैं कि मोबाइल स्मार्टफोन दिया जा सके, और उसकी कोई पॉलिसी भी बनाने के लिए जा रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। इसी तरीके से सिर राजपूत साहब का अगेन थैंक यू वेरी मच अदा करूँगा, ये खुद अपनी जबान से बताना भूल गए कि जब हमने वजारत संभाली तो पाकिस्तान में सिर्फ 5 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर थे, NIC थे। अगेन हमने दो चीज़ों को टारगेट किए, फौरी तौर पर NIC का इजाफा करना, एंड वी डिसाइडेड कि छठा NIC हम हैदराबाद में कायम करें। आई एम ग्रेटफुल टू द वाइस चांसलर ऑफ द सिंध यूनिवर्सिटी, बहुत ही ब्रॉड माइंड आदमी है वो, हमने उनसे सामने रखा कि जो मेन शहर है, जो सिटी कैंपस, उसके अंदर एक NIC बनाना चाहते हैं, बहुत ही फोर्थ कमिंग। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मौजूद है, बिल्डिंग आप ले लें, और हमने जाना रहा, आप जाएंगे आप बड़े खुश होंगे, बल्कि आप तो मौजूद थी, अब अगर आप कभी आप भी जाना, इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट, 62 करोड़ रुपए की लागत से बना। सेल भाई आप भी कभी जाएं, आप देखेंगे, मुझे बड़ी खुशी होती है उस बिल्डिंग में जाकर कि जबरदस्त बिल्डिंग बन गई है। अब मेरे हैदराबाद, लतीफाबाद, जाम शोरो और टंडो जाम तमाम नौजवान इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ओपनिंग करने जा रहे हैं किसी भी दिन, हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर से लिखा हुआ है कि आप हमें टाइम दें, हम उसे NIC इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद में भी। हमेशा एक बात वो IT एक्सपोर्ट के हवाले से आपने भी बात की, अगेन अगर पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्ट को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ एक्सपोर्ट मुख्तलिफ तरीके से कहीं बिलियंस अब डॉलर पे कमा रही है, बट IT एक्सपोर्ट में आपके सामने फिगर लगेगा आपको कि 3-3.5 सालों में क्या तब्दीली आई है। नंबर वन, 2019-20 IT एक्सपोर्ट जो कि मेरा ख्याल दिखाया भी गया था, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, $1.4 बिलियन का। 2020-21 अब्दुल वसीम भाई $1.4 बिलियन से बढ़ा, में 2.1 बिलियन से बढ़ाकर 2.62 बिलियन पे लेके गए। तो ये अगर आप पाकिस्तान की तमाम मिनिस्ट्री को मिला लें, आई रिपीट वी हैड अ 44 मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान, बट दिस इज ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकॉम जिसने आईटी एक्सपोर्ट 40% इजाफा कराया। किसी भी मिनिस्ट्री का 2-3% इजाफा होता, बट द ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकॉम जिसके इतने बड़े पैमाने पर आईटी एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ तल्ख बातें भी करूँगा, रोहित भी जर हमेशा उनका सब पाशा के सपोर्ट रहता है, टेलीकॉम सेक्टर का सपोर्ट रहता है। सिंस लास्ट मेनी वीक वी आर इन टच विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, आयशा उसको लीड करती रही है, हमारे सेक्रेटरी साहब भी लीड करते रहे हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि FBR के साथ बातचीत हुई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए साथ बातचीत हुई है कि IT इंडस्ट्री को कैसे रिलीफ दिया जाए, कैसे फैसिलिटेट किया जाए, बट अगेन एज ए मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम आई एम अनसेटिस्फाइड। मैं अदब के साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कहता हूँ, आप अपने रवैया दुरुस्त करें, आप अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लेकर आए।
मैं अपने आईटी इंडस्ट्री के साथ और टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूँ। अगर आप अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो मेरी बात गौर से सुन लें, मैं अगर वजीर नहीं रहूँगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। तो आपको मेरे आईटी इंडस्ट्री के लोगों को रिलीफ देना होगा, आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। हम आपके पास प्रपोजल लेकर इस हफ्ते दोबारा आ रहे हैं एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप, चूंकि प्राइम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन है तो आप उस पर अमल करेंगे, हठधर्मी नहीं चलेगी। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं, अगेन हमारे पास एसेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि वी हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन पीपल, आउट ऑफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर यंग, दैट इज बिटवीन द एज ऑफ 18 to 30, एंड दोज पीपल आर द प्योरली एसेट ऑफ पाकिस्तान। हम उनको लेके आगे बढ़ना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जिम्मेदारी बनती है उनको अखलाकी मोरली तौर पर उनको इनकरेज करें। हम क्या करने जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज कमिटेड टू इक्विप यूथ विद द डिजिटल स्किल, वी आर वर्किंग टू अपलिफ्ट द टैलेंट ऑफ द यूथ। लाजमी तौर पर ये आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि खालिद भाई आप यहाँ पर आए हैं तो 2 मिनट आप भी जरूर या 4 मिनट आप भी जरूर गुफ्तगू करें ताकि लोग फैजाब हो सके। और देखें ये तालियां बजा रही हैं कि आप लाजमी तौर पे करें, मैं अपनी बात को बिल्कुल मुख्तसर कर देता हूँ। कैबिनेट पेपरलेस हो चुकी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की कोशिशों काबिशों के बिना पर, वरना पहले इतनी मोटी मोटी फाइलें हम लेके जाया करते थे कैबिनेट में। पाकिस्तान की 44 मिनिस्ट्री पेपरलेस कर दी गई है, अगेन दैट वाज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। इंशाल्लाह ताला अगले साल आयशा बैठी हुई हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम साइबर इफिशियंट पार्लियामेंट को भी पेपरलेस करने जा रहे हैं, यानी वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारी ख्वाहिश होगी कि आइंदा आने वाली असेंबली आने से पहले उसको भी हम साइबर इफिशियंट, इन पार्लियामेंट में भी अब्दुल वसीम भाई आप दोबारा एमएनए बनेंगे, 3 दफ़ा बन चुके हैं, इंशाल्लाह ताला आपको कोई फाइल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैबलेट मौजूद होगा आप उस पर काम कर रहे होंगे। लेकिन हम विजन मौजूद है कि अगले 25 साल क्या करना है, अगले 50 साल के लिए एक विजन मौजूद है और दैट वॉज गिवन बाई यू पीपल, हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक दो छोटी छोटी बात करके खालिद भाई आपसे चाहूंगा कि एमकेएम पाकिस्तान ने जो जो चीज़ें अपने शहर के लोगों से, अपने अवाम से, अपने वोटर सपोर्टर से वादा किया, मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से जो वादा किया उस पर अमल करने की कोशिश की। नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट द सेंसस। हमने सेंसस का वादा किया था, सिंध गवर्नमेंट ने भी इसका वादा किया था, वो भी इस ऑन बोर्ड थी। हमने वफाकी हुकूमत के साथ मेक श्योर किया, उनसे बात करके, उनको प्रेशर करके कि डिजिटल सेंसस का इनेकाद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह टैबलेट जो 1,25,000 टैबलेट हासिल करने थे, LC हैड बीन डन। 2 दिन पहले CEC ने 5 अरब रुपये भी मंजूर कर दिए हैं, अब सेंसस ऑन बोर्ड है, 31 मार्च तक सेंसस मुकम्मल हो जाएगा। और हमारी क्या ख्वाहिश है कि यस 31 मार्च के बाद सेंसस हैंड ओवर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दे विल टेक 4 मंथ टू, जैसे कहते हैं कि तमाम चीज़ों को डिलिमिटेशन को सही करने में, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन अगस्त 2023 में होगा। अबू बकर भाई खुश। दूसरी बात KCR, अगेन द क्रेडिट गोज टू द लीडरशिप ऑफ द MQM। खालिद भाई आप खराज तहसीन के मुस्तक हैं कि KCR को हमने मेक श्योर किया कि इसको CPAC में शामिल किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह CPAC में शामिल कर दिया गया है, प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह ताला हम इसे पाए तक मिल तक पहुंचाएंगे। टर्म K4 रिक्वायरमेंट पानी की 650, अब नहीं मिलता हमें 550 रिक्वायरमेंट, तकरीबन 1250। K4 का मंसूबा कई सालों से पेंडिंग में चला आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ट्रैक आ चुका है, वापदा इसको ले चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन अवार्डेड टू 3 डिफरेंट कंपनी। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2023 अक्टूबर तक K4 का मंसूबा मुकम्मल होगा, और जो मेरा ख्याल इंटरनल मामला है, मेरा ख्याल सुहेल भाई वो फिर वाटर बोर्ड खुद करेगी मामले को जो शहर के अंदर आना है। इंपॉर्टेंट बात ग्रीन लाइन हैड बीन डन, फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन लाइन अप टू द नुमाइश हैड बीन डन विद द हेल्प ऑफ द MQM एंड विद द साबिक हुकूमत के साथ मिलकर। फेज 2 इसका शुरू करना है जो कि नुमाइश पे खाता में, हमारी ख्वाहिश होगी कि हम इसे ईदगाह तक लेकर जाए, कैपरी से आगे निशात तक, मैं निशात सिनेमा तक, जो पुराने लोग उनको पता होगा वहाँ तक ऑलरेडी तकरीबन काम हो चुका। हमारी ख्वाहिश है कि इसको ईदगाह तक लेके जाया जाए, उस पर भी बातचीत जारी है SIDCL के साथ, हम इसे भी मुकम्मल करा के दम लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात किया, अगेन
यहाँ पे जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी, खान दादा भाई मुझे नज़र नहीं आ रहे, आई डोंट नो बैठे हुए नहीं बैठे हुए, कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक दरीना मुतालबा था सिंस लास्ट 44 ईयर एंड फाइनली 40 साल का हल में ये मुतालबा चला आ रहा था, 70 साल का था, क्योंकि मैं एम के में मुझे शामिल हुआ 44 ईयर हुआ, तो मैं देख रहा हूँ हमेशा ये मुतालबा रहा है। फाइनली उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुँचा दिया गया। आई एम थैंकफुल टू द सिंध गवर्नमेंट, आप एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर आपका, चीफ सेक्रेटरी साहब बिलखसूस आपका, कि 100 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी HEC को हैंड ओवर कर दी गई है। जिस दिन हैंड ओवर की, ओसामा इज देयर, मैं, ओसामा और साबिर भाई ने फौरी तौर पर फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की। हमने 3 चीज़ें रखा। नंबर 1 कि फौरी तौर पर आप इस पर जिसे कहते हैं एक कमेटी बनाए जो वाइस चांसलर के अपॉइंट करे। 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। PD डॉक्टर सेल अजपत कान में कहा वो बात हमने की कि यूथ हॉस्टल जो है, जो हैदराबाद के शरीफ भाई जो यूथ हॉस्टल मौजूद है लतीफाबाद में, उसको किसी तरीके से HEC के हैंड ओवर किया जाए। ऑर्डर हैड बीन इशूड बाई दी चीफ सेक्रेटरी। अब उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला दिसंबर जनवरी फरवरी में वहां पर कोई ना कोई क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। और इन्होंने हमसे क्या कहा है, बल्कि मैं और सामा, आप याद रखिएगा, मैं, आप और साबिर भाई दोबारा फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की। उन्होंने कहा आप MOU साइन कर ले और अगले 1.5 साल के लिए उस हॉस्टल का HEC अपने हैंड ओवर कर ले ताकि वहां पर क्लासेस शुरू हो जाए जब तक के हमारी यूनिवर्सिटी बन नहीं जाती है। इंशाल्लाह ताला इसके साथ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। खालिद भाई, हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी कुछ चंद बातें लाजमी तौर पर हों। आखिर में सिर्फ मैं बात करूंगा जो मुझे पार्टी के लीडरशिप की तरफ से है हमेशा कि वाइल डूइंग, और जो मैंने हमेशा जो अपनी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की वहां से सीखा, अपनी फैमिली से सीखा, वो 3 चीज़ें सीखी है और उसको हर सिरत में अपनी मिनिस्ट्री में इंप्लीमेंट कर। नंबर 1, वी आर टेकिंग ऑल डिसीजन प्योरली ऑन मेरिट, तमाम फैसले मेरिट के बुनियाद पर किए जा रहे हैं। नंबर 2, देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन माय मिनिस्ट्री, मैं अपने सहाफी हजरात बैठे हुए उनमें कहता हूं कोई भी आना चाहे, किसी भी फाइल को चेक करना चाहे, दे रेडी टू कम एंड चेक इट। और नंबर 3, देयर इज अ जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये मुझे खालिद भाई, आमिर भाई और कवर नवेद भाई की खसूसी हिदायत है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, किसी को इजाजत नहीं है। तो हम ये तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों का इस मौके पे आना, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर IT एंड टेलीकॉम। इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद मकबूल सदीकी साहब से, कन्वीनियर MQM, टू प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हाजिर ने महफिल जहाँ पर बड़े अहम लोग और जाने पहचाने लोग बैठे हैं और मैं नाम लेने लगा तो वक्त उसी में गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब की आमद का शुक्रिया और मुझे बुलाने का भी शुक्रिया। अब मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ज़रूरत थी कि मैं बात कर सकूँ और बारिश भी ये मौका नहीं दे रही है। बहरहाल आप सबको कराची IT पार्क की बुनियाद और आगाज़ मुबारक हो। गो के हमारी ख्वाहिश ये थी कि 3 करोड़, मैं इसलिए भी बात नहीं करना चाह रहा था कि फिर सियासत सामने आ जाती है ज़्यादा, ज़रूरतन ही सही कि 3 करोड़ नफूस के इस शहर के लिए और पाकिस्तान के इक्तिसादी, माशी, सनती, तिजारती, कारोबारी कैपिटल के लिए, क्योंकि हुकूमती कैपिटल यहाँ से जा चुका है लेकिन बाकी जिम्मेदारियाँ हम पे ही लगी रह गई हैं, तो कम से कम 100 एकड़ के IT पार्क की ज़रूरत थी, हमें 6 एकड़ मिला है।